हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉप 50 एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि आने वाला बोर्ड एग्जाम, अगर आप लोग सीएचएससी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगभग 50% तो एमसीक्यू ही आने वाला है बायोलॉजी में। तो हमने ऑलरेडी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टॉप 50 एमसीक्यू उसको कंप्लीट किया है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप चाहो तो वो वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो या फिर यहाँ पे आई बटन से भी वो वीडियो को चेक कर सकते हो। और जो लोग अपने एग्जाम तैयारी करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि ओस्टेट वगैरह हो गया टीजीटी पीजीटी के लिए, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग बायोलॉजी को कवर करें, कंप्लीट बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी के जो भी 12th के चैप्टर हैं वो सबको कवर अप किया जा रहा है। और उसमें हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको सिलेक्टिव करके उसको हम डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो जरूर लाइक कीजिए। चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पूछा गया है जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज, ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 10 वीक्स का होता है, 25 वीक्स का होता है, 7 मंथ्स का होता है या 9 मंथ्स? ये तो इजी सा है, हम सबको मालूम है, वो होता है 9 मंथ। जेस्टेशन पीरियड यानी जो बेबी बर्थ बर्थ जो जायगोट से कंप्लीट बेबी फॉर्मेशन, कंप्लीट बेबी तक का जो सफर होता है, कंप्लीट बेबी जो फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट बेबी तक डेवलपमेंट का पीरियड को ही मदर बॉडी में, मदर के वूम में जो डेवलपमेंटल पीरियड रहता है उसी को ही जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो ये कितना टाइम का होता है? वो लगभग 9 मंथ का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय, ह्यूमन एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कौन करता है? एलेंटोइस, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी। तो ह्यूमन एम्ब्रियो को जो प्रोटेक्ट करता है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आप लोग देखोगे, ये मान लीजिए बेबी है तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला इसके चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, और एमनियन, ठीक है, ये वाला एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और इसी फ्लूइड से जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जाता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, इसी फ्लूइड से क्या किया जाता है, थोड़ा सा इंजेक्ट करके फ्लूइड को निकाला जाता है और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि अभी इलीगल या फिर बैन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन, एग कब ओवरी से निकलता है? जब सेकेंडरी ओसाइट स्टेज हो, जब प्राइमरी ओसाइट स्टेज स्टेट में हो, या फिर ओगोनियल स्टेज में हो, या फिर मेच्योर ओवम स्टेज में हो। एग कब निकलता है? एक जब हमारा सेकेंडरी ओसाइट के स्टेज में होता है। आप सबको जानते हैं प्राइमरी ओसाइट स्टेज रहता है, उसके बाद पॉज हो जाता है, उसके बाद फिर से शुरू होता है, जब कंप्लीट प्यूबर्टी आने के बाद वो सेकेंडरी ओसाइट बन के एक रिलीज होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली इन मामल इज, मामल में जनरली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन कौन से जगह पे पर्टिकुलरली होता है? ओवरी में, यूटेरस में, वैजिना में, या फिर फैलोपियन ट्यूब में? सो इसका जो राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब। अगर ह्यूमन का पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे पूछा जाए, तो आपका आंसर रहेगा एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। याद रखिएगा ये चीज़, एम्प्यूला रीजन में होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना उसका जो एक स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप सब जानते होंगे, उसी रीजन में क्या होता है हमारा जो ओवम आके आता है और स्पर्म यहाँ पे आके उसको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया ह्यूमन एग्स क्या होते हैं? एलेसिसाल होता है, माइक्रो लेसिसाल होता है, मिजो लेसिसाल होता है, या फिर माइक्रो लेसिसाल? इसका मतलब लेसिसाल यानी योक, योक अगर प्रेजेंट होता है नहीं, ह्यूमन एग में योक प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो मैं बता दूं ह्यूमन एग कंप्लीटली क्या होता है? अलेसिथल, अ मींस नो, अ मींस नो, लेसिथल मींस योक, नो योक फाउंड। ह्यूमन में योक नहीं होता, ह्यूमन एग्स में योक नहीं होता, कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ योक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? स्क्रोटम है, पेनिस है, टेस्टिस है, या प्रोस्टेट है? प्रोस्टेट है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा टेस्टिस। हम सबको मालूम है ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ये जो हमारा टेस्टिस है यही हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है, बाकी ये तो सब एक्सेसरी में आ गए, ये मदद करते हैं। स्क्रोटम तो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस हमारे स्क्रोटम के अंदर होता है, पेनिस तो हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो हेल्प करता है इजैकुलेशन में, जो कि स्पर्म कैरियर की तरह भी काम में आता है। बाकी प्रोस्टेट हो गया, ये तो एक ग्लैंड हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो टेस्टिस है वो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इसका काम है स्पर्म को बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है फर्टिलाइजिन आर एमिटेड बाय, फर्टिलाइजिन को कौन एमिट करता है? इमेच्योर एग एमिट करता है, फिर मेच्योर एग्स रिलीज करता है, या फिर स्पर्म रिलीज करता है, पोलर बॉडी? तो इसका जो आंसर है वो है मेच्योर एग। मेच्योर एग फर्टिलाइजिन को इस्तेमाल करता है ताकि अट्रैक्ट करके ये फर्टिलाइजेशन कर पाए, स्पर्म को अट्रैक्ट करके फर्टिलाइजेशन कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है मेच्योर स्पर्म हैज, एक मेच्योर स्पर्म में क्या होता है? मेच्योर स्पर्म हैज ए पेयर ऑफ फ्लैजेला, ए न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम, एंड ए सेंट्रियोल, ए न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम, ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ए न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम, ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड ए टेल। सो एक जो हमारा
स्पर्म होता है उसमें ये चारों के चारों पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, एक्रोजोम होता है जो हेड के पार्ट में होता है, सेंट्रियल होता है और एक टेल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देखोगे इस तरह का वो हेड रहा और एक बहुत ही छोटा सा नेक रहता है, उसके बाद मिडिल पीस रहता है और उसके बाद लंबा सा टेल रहता है, आप लोगों ने जानते हैं। और एक्रोजोम इस रीजन में रहता है, ये एक्रोजोम हो गया, ये एक्रोजोम हो गया और ये छोटा सा नेक हो गया, और यहाँ पे हमारा मिडिल पीस में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जिसको नेबेन कर्न भी कहा जाता है, नेबेन कर्न कहा जाता है, और ये टेल हो गया। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया हमारा मैच्योर स्पर्म का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है इन 28 डे ऑफ ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स ऑन डे 1, डे 5, डे 14 या फिर डे 28। सो ये पूछा है जो ओवेरियन साइकिल है उसमें 28 डे का जो ओवेरियन साइकिल रहता है ओव्यूलेशन कौन से पर्टिकुलर डे में होता है। तो ये जो ओव्यूलेशन होता है हम सबको मालूम है ना, मान लीजिए ये हमारा वो ओवेरियन साइकिल है जो कि 1 से शुरू हुआ, 28 में कंप्लीट हुआ, और हमें मालूम है पूरा पूरी बीच में 14 को हमारा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डे 14 को हमारा ओव्यूलेशन यानी ओव्यूल रिलीज होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन का मतलब है ओव्यूल का रिलीज होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है पार्ट ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए कौन सा पार्ट स्पर्म का इन्वॉल्व रहता है, टेल, एक्रोजोम, आलोजोम या फिर ऑटोजोम। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा जो हेड होता है उसमें होता है हमारा एक्रोजोम, और यही एक्चुअली एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि डिजेनरेट कर देता है हमारा जो एक के चारों तरफ जो भी मेम्ब्रेन होते हैं, जो हाई एल्यूरोनिडेज बोला जाता है ना, हाई एल्यूरोनिडेज ये जो एंजाइम होता है वो एक्रोजोम से रिलीज होता है। तो यही एक्रोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि एक के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस एंट्री कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है विलाई ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा डेवलप फ्रॉम, जो ह्यूमन प्लासेंटा का विलाई है वो कहाँ से डेवलप करता है, कोरेन से, एलांटोइड से, योक्सैक से या बोथ ए एंड बी। सो विलाई जो डेवलप करता है वो हमारा डेवलप करता है कोरियन से, कोरियन से हमारा क्या करता है प्लासेंटा में आप लोग देखे होंगे तो इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप करता है जिसको हम विलाई कहते हैं या फिर विलस, सिंगुलर विलस कहते हैं। ठीक है, और ये डेवलप करता है हमारा कोरियन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है ह्यूमन फीमेल रिचर्स मेनोपोज अराउंड द एज ऑफ, मेनोपोज यानी जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली ह्यूमन फीमेल में बंद हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है, मेनो और पॉज, ये मेंस्ट्रुएशन और ये पॉज हो जाना, रुक जाना कब होता है, किस एज में होता है, 25 ईयर्स में, 35 ईयर्स में, 50 ईयर्स में या फिर 70। ये हमारा राइट आंसर है 50 ईयर्स, और एग्जैक्टली अगर आप पूछोगे तो वो है 52 ईयर्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम तो नहीं बता सकते, ये हमारा वेरी करता है, तो 50 ईयर्स में होगा बोल के ये गारंटी नहीं होता, 48 से 52 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया एंट्रम इज कैविटी ऑफ, एंट्रम किसका कैविटी है, ओवरी का, ग्राफियन फोलिकल का या फिर ब्लास्टुला का या फिर गैस्ट्रुला का, जो एंट्रम है वो किसका कैविटी है, हमारा एंट्रम हमारा ओवरी का कैविटी है। ठीक है, एंट्रम हमारा सॉरी ये ओवरी का नहीं, ये ग्राफियन फोलिकल का कैविटी है, जहाँ पे अगर ग्राफियन फोलिकल को आप देखोगे एक तरफ हमारा सेकेंडरी उस साइड यहाँ पे रहता है इस तरह से, और ये रहा वो पूरा कैविटी, ये वाला मैं रीजन को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा मान लीजिए वो हमारा कैविटी, ये वाला कैविटी हमारा, ये पूरा कैविटी हमारा एंट्रम कहा जाएगा, और जो मैंने सर्कुलर नीचे एक बेस में अटैच किया है ये वाला तो हो गया हमारा एंट्रम, और ये रहा हमारा सेकेंडरी ऊ साइड, ये इस तरह से होता है और ये पूरा मैच्योर ग्राफियन फोलिकल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है एम्ब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड मोरुला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टुला और गैस्ट्रोला। जो 16 सेल्ड वाला जो हमारा एक एम्ब्रियो होता है उसको हम कहते हैं मोरुला, यानी कि मलबेरी स्टेज, आप सब जानते होंगे मलबेरी स्टेज बोला जाता है, मलबेरी आप सबको मालूम होगा, ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील पाया जाता है, ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील पाया जाता है जो कि कैविटी होता है ब्लास्टोसील। उसके बाद हमारा गैस्ट्रुला में हमें जर्म लेयर देखने को मिलता है, जर्म लेयर, ठीक है, जर्म लेयर पाया जाता है, 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इसमें जो मोरुला स्टेज होता है हमारा जाइगोट, पहले डिवाइड एंड रीडिवाइड माइटोसिस करके मलबेरी स्टेज यानी मोरुला स्टेज, उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज, उसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, हम सबको मालूम है ये चीज़। तो यहाँ पे आंसर होगा मोरुला स्टेज, इस तरह से 16 सेल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग
फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मेनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में जब बहुत सारे स्पर्म पहुंचते हैं ओवम के पास, तो होता क्या है? तो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर ट्रैप ऑल द स्पर्म्स एक्सेप्ट वन, मतलब सारे के सारे को ट्रैप कर देता है सिवाय एक को छोड़ के जो कोरोना रेडिएटर है, या फिर ओनली टू स्पर्म नियरेस्ट द ओवम पेनिट्रेट जोना पेलिस्टेरा, सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्म मतलब पेनिट्रेट कर पाता है जोना पेलिस्टेरा को, या फिर सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम हेल्प्स वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलिस्टेरा। जो एक्रोजोम सिक्रीट करता है, जो हाई एलुरोनिडेज जो सिक्रीट करता है, वो साइटोप्लाज्म में एंटर करता है ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलिस्टेरा, या फिर ऑल स्पर्म एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज देयर टेल्स। तो इसका मतलब है सारे के सारे स्पर्म अपना टेल को लूज कर देता है सिवाय एक के। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मेनी स्पर्म रीच। तो मतलब पूछा जा रहा है कि ओवम के पास बहुत सारे स्पर्म पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम हेल्प्स वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलिस्टिडा। मतलब जोना पेलिस्टिडा को सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करता है बाय सिक्रीशन ऑफ हमारा जो एक्रोजोम का जो एंजाइम सिक्रीट होता है, तब जाके सिर्फ एक ही जोना पेलिस्टिडा थ्रू जा पाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया द हीमोग्लोबिन ऑफ ए ह्यूमन फिटस, द हीमोग्लोबिन किस तरह का होता है ह्यूमन फिटस में। हाज ए हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन एडल्ट, एडल्ट के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी दिखाता है, या फिर हैज़ ए लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन दैट ऑफ द एडल्ट, मतलब कुछ कम एफिनिटी दिखाता है ऑक्सीजन की तरफ कोई एक एडल्ट के मुकाबले, या फिर इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एडल्ट, एडल्ट के बराबर एफिनिटी दिखाता है ऑक्सीजन को, या फिर हैज ओनली टू प्रोटीन सब यूनिट इंस्टेड ऑफ फोर, या फिर हीमोग्लोबिन में दो ही प्रोटीन सब यूनिट होते हैं या फोर की जगह। फोर यानी मैं बता दूँ चार होते हैं एक्चुअली, दो बीटा होते हैं, दो अल्फा यूनिट होते हैं और दो बीटा यूनिट मिलके हमें हमारे हीमोग्लोबिन बनाते हैं एडल्ट में। लेकिन ये बोल रहा है कि फिटस में हमारा सिर्फ दो ही प्रोटीन पाए जाते हैं क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन दैट ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट के मुकाबले जो ह्यूमन फिटस का हीमोग्लोबिन है ना, उसका ऑक्सीजन की तरफ जो आकर्षण है एफिनिटी वो बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा एडल्ट के मुकाबले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन, इनकरेक्ट बोला है, कौन सा वाला नहीं है मेंस्ट्रुएशन के लिए लागू नहीं है। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, ये तो सही है, आर्क मीन्स बिगिनिंग। उसके बाद ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, सो 40 ml के पास पास, ये भी सही है। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, ये तो गलत है क्योंकि वो क्लॉट ही नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट जो है एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशल अबाउट इंक्रीज इन गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, ये भी सही है। तो हमारा जो रॉन्ग है ये हुआ हमारा सी ऑप्शन। तो फ्लूइड जो होता है वो क्लॉट नहीं करता, फाइब्रिनोलाइसिन बोल के एक कंपाउंड होता है जिस जो कि क्लॉट होने नहीं देता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, गैमेट जाइगोट जाइगोट मोरूला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला, गैमेट जाइगोट ब्लास्टुला मोरूला गैस्ट्रुला, गैमेट न्यूरल न्यूरूला गैस्ट्रुला, गैमेट न्यूरूला मोरूला, ये इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है। जहाँ पे गैमेट होंगे, गैमेट फर्टिलाइज करके फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड करके मोरूला बनेगा, मोरूला हमारा क्या करेगा कैविटी बनाएगा जिसको ब्लास्टुला कहेंगे, और ब्लास्टुला हमारा तीन जर्म लेयर डेवलप करेगा जिसको हम गैस्ट्रुला कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फिटल का निकलना जो रिफ्लेक्स है इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड, कौन इंड्यूस करता है, इंड्यूस्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ मामरी ग्लैंड, मामरी ग्लैंड का जो डिफरेंशिएट होने से ये फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देता है, या फिर प्रेशर एग्जर्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूड, एमनियोटिक फ्लूड क्या करता है प्रेशर डेवलप करता है ताकि ये इजेक्ट हो सके फिटल मतलब बाहर निकला, या फिर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, या फिर फुली डेवलप्ड फिटस एंड प्लासेंटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फुली डेवलप, जब भी फिटस डेवलप फुल्ली हो जाता है तब जाके ये सिग्नल देता है या फिर रिफ्लेक्स देता है कि फिटल का इजेक्शन का टाइम आ चुका है, तो उसको अभी रिलीज मतलब पार्चुरेशन करना टाइम हो चुका है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूछा गया है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अकर्स ऑन, ब्लास्टोसिस्ट आके जो एंडोमेट्रियम में आके जो लग जाता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम में जाके खुद को जो इम्प्लांट कर लेता है, वो कब होता है? फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे या फिर सेवन्थ डे? वो होता है हमारा सेवन्थ डे को हो जाता है, आफ्टर जो हमारा फर्टिलाइजेशन का सेवन्थ डे में ये हमारा खुद को कहाँ पे इम्प्लांट कर देता है, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है द सेल्स व्हिच सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आर, जो सेल होते हैं मेल सेक्स हार्मोन को, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं, उस सेल का नाम क्या है? इसमस, या फिर क्रिप्ट सेल, या फिर लाइबरकिन, या फिर हमारा लेडिक सेल? तो इसका जो इजी सा राइट आंसर है वो है लेडिक सेल। लेडिक सेल आप लोग देखे होंगे ना, इस तरह से होता है तीन 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 करके, तो यही हमारे जो सेल होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल हार्मोन या फिर एंड्रोजन का रिलीज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी ऑफ द ब्लास्टुला इज नोन एज, जो सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी है ब्लास्टुला में उसको क्या कहते हैं? आर्किटेरॉन, आर्केंटेरॉन, या फिर ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिस्ट, या फिर मोरूला? अभी मैंने कहा ब्लास्टोसिल। इस तरह का जो कैविटी होता है ना, ये कैविटी, इस कैविटी को हम कहते हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है इन ह्यूमन द प्लासेंटा, ह्यूमन में प्लासेंटा किस तरह का होता है? हीमोकोरियल, एंडोथेलियल, एपिथेलियो कोरियल, या फिर सिंडेस्मो कोरियल? वो होता है हीमोकोरियल, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ब्लड के साथ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड, ब्लड के साथ रहता है, उसको हीमोकोरियल कहते हैं, और ह्यूमन प्लासेंटा का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज नीडेड टू मेक इमेच्योर स्पर्म मेच्योर, इमेच्योर स्पर्म को मेच्योर करने के लिए, यानी कि कंप्लीट करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? तो FSH, या फिर LH, या फिर FSH, या फिर LHL? तो इसका जो राइट आंसर है वो है FSH, यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये चाहिए होता है हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्व होमोलॉजी, द ग्लांस ऑफ पेनिस या फिर ग्लांस पेनिस इन द मेल इज इक्वल टू डैश इन द फीमेल, फीमेल बॉडी में ह्यूमंस का जो मेल का ग्लांस पेनिस है वो फीमेल का किसके साथ होमोलॉजी, यानी सेम टू सेम रोल प्ले करता है? क्लिटोरल हुड, क्लिटोरिस, क्लिटोरल ग्लांस, या फिर क्लिटोरल क्रूरा? वो है क्लिटोरिस। ये ग्लांस पेनिस क्या होता है हम जानते हैं, पेनिस में ये जो जो अपर स्ट्रक्चर होता है इसको ही हम हाईली, जो हाईली सेंसिटिव होता है इसी को ही हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर में जो कवरिंग होता है जिसको फोरस्क्रीन या फिर प्रिप्यूस कहा जाता है, तो ये एग्जैक्टली ग्लांस पेनिस हमारा क्लिटोरिस के साथ होमोलोगस या फिर एनालोगस प्ले रोल प्ले करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लिटोरिस भी हाईली सेंसिटिव होते हैं फीमेल बॉडी में, जिस तरह मेल में ग्लांस पेनिस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द वेजिनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजिनल ओपनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए पूछा है? ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, यूरेथ्रा? सो इसका राइट आंसर है लेबिया माइनोरा, यही प्रोटेक्ट करता है। बाकी इसको कवर आउटर, आउटर में कौन करता है? लेबिया मेजर, ये सबसे बाहर वाला लेयर होता है, बाहर वाला लिप स्ट्रक्चर होता है, बाकी ये वाला सबसे अंदर वाला जो कि प्रोटेक्ट करता है यूरेथ्रल ओपनिंग और वैजिनल ओपनिंग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन इन कॉजेस मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, इंक्रीज ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग और डिक्रीज ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सो लुटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन जब बढ़ जाता है वो क्या करता है हमारा? ओव्यूलेशन करता है एट द 14th डे, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्टिस ऑफ मैन आर कनेक्टेड विद द स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक जो इस तरह से होता है उसके साथ जो हमारा ये रहा टेस्टिस, वो किस तरह, किसके थ्रू से कनेक्ट होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू से, लिगामेंट के थ्रू से, गिबरनाकुलम के थ्रू से, या फिर टेंडन ओवुलेटर के थ्रू से? तो ये जो कनेक्ट किया रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं गिबरनाकुलम। सो ये है गिबरनाकुलम, ये है गिबरनाकुलम। ठीक है, जो कि हमारा टेस्टिस को उसके पोजीशन में मेंटेन करके रखता है स्क्रोटल सैक के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया द ह्यूमन फीमेल इज स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, मतलब स्पॉन्टेनियसली करते रहते हैं ओव्यूलेशन, या फिर सीजनल, मतलब सीजन के अकॉर्डिंगली ओव्यूलेशन करते हैं, या फिर ओकेजनल ओव्यूलेशन करते हैं, मतलब जब उनका मन करे उसी टाइम में वो ओकेजनली ओव्यूलेट करते हैं, या फिर इंड्यूस ओव्यूलेशन, मतलब एक टाइम के बाद ही, उनको इंड्यूस करने के बाद ही वो ओव्यूल करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, क्योंकि ह्यूमन फीमेल के बर्थ के टाइम में ही एक प्रोडक्शन हो जाता है, एक प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है।
ओविल प्रोडक्शन, ओवम प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है, लेकिन वो प्राइमरी स्टेज में रहता है। उसके बाद जाके जब प्यूबर्टी अटेंड होता है, उसके बाद वो मेच्योर करके सेकेंडरी ओसाइट बना के ओविल कम्प्लीटली बनाता है। ठीक है, ये मतलब इस तरह से मान लीजिए ये कोई एक स्टेप है एग और ओविल बनने का, जो कि बर्थ के टाइम से मतलब फिटल स्टेज के टाइम से ही फीमेल बॉडी में बनता बनना चालू हो जाता है और रुक जाता है। उसके बाद ये जब प्यूबर्टी का एज आता है तब ये रिस्टार्ट होता है, इस यहाँ से बनना चालू होता है, अप टू 48 to 52 ईयर्स तक ये बनना चालू होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू से जान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है द कैप्सूल एनक्लोजिंग टेस्टिस ऑफ मामल्स इज कॉल्ड एज, जो कैप्सूल है और कवरिंग टेस्टिस मामल के टेस्टिस को कवर करता है उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका वैजिनलिस और ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये पाया जाता है टेस्टिस के कवरिंग में, बाकी वैजिनलिस एक्सटर्ना ये सब हमारे ओवरी के कवरिंग में पाया जाता है, लेकिन ये पूछा है मेल का टेस्टिस, ठीक है, तो ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्किन कवरिंग और द प्लान ग्लांस ऑफ पेनिस इज कॉल्ड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ये मान लीजिए पेनिस है और ये ग्लांस ऑफ पेनिस है, ये वाला ग्लांस ऑफ पेनिस है, उसको कवर करने वाला जो स्किन है जिसको हम फोर स्किन भी कहते हैं, तो उसका टेक्निकल नाम क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एपिडाइडर्मिस या फिर कॉर्पस कैवर्नोसा और प्रीप्यूस, उसको कहते हैं प्रीप्यूस। तो ये जो आउटर कवरिंग है इसको प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन भी कहते हैं, प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन भी कहते हैं, जो कि आउटर कवरिंग होता है पेनिस के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है एब्डोमिनल टेस्टिस आर फाउंड इन, एब्डोमिनल टेस्टिस कहाँ किस एनिमल पाया जाता है, एलिफेंट में, कैट में, मंकी में, हॉर्स में, ये पाया जाता है हमारा एलिफेंट में, जो कि एब्डोमिन के रीजन में लोकेटेड रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम इज, कॉर्पस लूटियम का मेन फंक्शन क्या है, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, फैसिलेशन ओव्यूलेशन, फैसिलेट फर्टिलाइजेशन, फैसिलेट पैसेज ऑफ ओवा टू ओविडक्ट। सो कॉर्पस लूटियम का जो मेन फंक्शन है वो है सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये सिक्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है एक्सपांडेड प्रोक्सीमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट ऑफ फीमेल इज, ओविडक्ट का जो एक्सपांडेड पार्ट होता है, प्रोक्सीमल पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, यूटेरस कहते हैं, वेस्टिबुल कहते हैं, फिम्ब्रिएटेड फ्यूनल कहते हैं, फनल कहते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिम्ब्रिएटेड फनल। तो अगर आप लोग देखे होंगे ओविडक्ट को, इस तरह से ये रहा हमारा उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और ये रहा ओवरी, तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री, ठीक है, और ये तो हमारा ओविडक्ट हो गया और फैलोपियन ट्यूब हो गया, सो इसको फिम्ब्री कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया फैलोपियन ट्यूब इज ए पार्ट ऑफ यूरेटर, यूटेरस, ओविडक्ट, भास डिफरेंस। सो ये तो बहुत ईजी सा हो गया, ये हमारा ओविडक्ट का पार्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है ओविडक्ट होता है, डक्ट यानी ट्यूब, ट्यूब इस तरह से ट्यूब होता है, डक्ट जिसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज कैरियड आउट बाय, कौन सा हार्मोन हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग को रिपेयर करता है, आप लोग देखे हो ना इस तरह से जो थिक लेयर होता है ब्लड वेसल से पूरा भरा हुआ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसको रिपेयर कौन करता है, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑस्ट्रोजन और लुटिनाइजिंग हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है एस्ट्रोजन और ऑस्ट्रोजन, यही हार्मोन है जो कि हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग को हमेशा रिपेयर करता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 28 डे ऑफ ह्यूमन डे, ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस टिपिकली ऑन 5th डे ऑफ द साइकिल, 1st डे ऑफ द साइकिल, 14th डे ऑफ द साइकिल, 28th डे ऑफ द साइकिल। सो अभी हमने डिस्कस करके आए हैं वो 14th डे बीचों बीच के होता है, 1 to 28 के, ये 14 डे में होता है। ठीक है, 14 डे ऑफ द साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन मेल मामल, मेल मामल में कौन प्रेजेंट होता है, मेल का पूछा है। ठीक है, मेल का पूछा है कार्पोर्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड या फिर सेबेसियस ग्लैंड। सो जो हमारा मेल में पाया जाता है वो है हमारा कार्पोर्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में पाया जाता है लेकिन कार्पोर्स ग्लैंड हमारा मेल में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर लेडिक सेल्स फाउंड एंड व्हाट इज देयर सिक्रीशन, लेडिक सेल कहाँ पे पाया जाता है और उनका सिक्रीशन क्या होता है, ये भी बहुत ईजी सा है। पैनक्रियाजन, ग्लाइकोजन तो गलत है, ये तो नहीं होगा, लीवर एंड कोलेस्ट्रॉल ये भी गलत है, ओवरी एंड ऑस्ट्रोजन ये भी गलत है, राइट आंसर इज टेस्टिस में पाया जाता है और इनका काम है टेस्टोस्टेरोन। पूछा गया है कॉर्पस लूटियम इज फॉर्म बाय, कॉर्पस लूटियम कौन बनाता है, स्ट्रोमा सेल्स, थिका सेल, फोलिकल सेल्स या जर्मिनल सेल। तो हमारे जो कॉर्पस लूटियम को बनाता कौन है, फोलिकल सेल, जो कि एग्जैक्टली ग्राफियन फोलिकल है, ग्राफियन, ग्राफियन, ग्राफियन फोलिकल है। ठीक है, ग्राफियन फोलिकल ही हमारा
क्या करता है, कॉर्पस लूटियम, मतलब आफ्टर रिलीज ऑफ एग, एग का जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग रहता है वही तो बनता है ना कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम के बाद कॉर्पस हमारा ये जो कॉर्पस आल्बिकियंस बनता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू ओवा सप्लाई मोर देन स्पर्म, इनमें से कौन सा ओवा सप्लाई ज़्यादा करता है स्पर्म के मुकाबले, साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिएंट, न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए हमारा ज़्यादा रहता है ओवा में उसके कंपेरिजन टू स्पर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाई ओजेनेसिस एंड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाई स्पर्माटोजेनेसिस इज दैट। तो गैमेट ओजेनेसिस में जो गैमेट बनता है और स्पर्माटोजेनेसिस में जो गैमेट बनता है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, मेच्योर इनटू मोटाइल सेक्स सेल, या फिर कंटेंस मोर होमोलोगस क्रोमोसोम, कंटेंस मोर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, या फिर अंडरगो क्लीवेज प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है कंटेन मोर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, ये होगा उसका राइट आंसर। इनके बीच में मेल ओजेनेसिस और स्पर्माटोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग व्हिच प्रोसेस द पोलर बॉडीज आर फॉर्म, पोलर बॉडीज कौन से प्रोसेस में बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्माटोजेनेसिस, ओजेनेसिस और स्पर्माटोलियोसिस। तो जो हमारा पोलर बॉडीज हैं वो कब बनते हैं, जब ओजेनेसिस होता है, क्योंकि ओजेनेसिस में ही पोलर बॉडीज बनते हैं, हम सबको मालूम है, फर्स्ट प्राइमरी उसके बाद सेकेंडरी पोलर बॉडीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्माटिड्स आर डिफरेंशिएटेड इंटू स्पर्माटिड, कब उनके स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, जो पूछ वगैरह आ जाता है ना वो कब होता है, कौन सा प्रोसेस, ओजेनेसिस में ये तो नहीं होगा, ये तो फीमेल का हो गया, स्पर्माटोलियोसिस, स्पर्माटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्पर्माटोजेनेसिस में, ये एक छोटा सा सेल बन जाता है, पूरा फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द सेल्स फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड, जायगोट का डिवीजन होने के बाद जो सेल बनता है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिल और नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ब्लास्टोमियर बनता है, जो सेल्स बनते हैं जायगोट के डिवीजन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द वाटर इज, इन द वाटर इज इंटरनल, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, मोनोस्पर्मिक कहा जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा या फिर पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। ये भी इजी सा है, जब वाटर में हो यानी बाहर में होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड नहीं हुआ उसको कहेंगे एक्सटर्नल। और ये कहाँ पे पाया जाता है, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग वगैरह, फ्रॉग वगैरह जो होते हैं ये वाटर में फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि मेल फर्क क्या करता है, बहुत सारा स्पर्म को रिलीज कर देता है वाटर में और वो जाके एग को मतलब फर्टिलाइज करते हैं, फीमेल फ्रॉग के एग को फर्टिलाइज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवेज इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्लीवेज को कौन इन्फ्लुएंस करता है, साइटोप्लाज्म, योक, न्यूक्लियस या फिर नॉन ऑफ दिस। सो क्लीवेज को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है योक, इसको क्या करता है, लार्जली इन्फ्लुएंस करता है क्लीव करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम इन द स्पर्म, एक्रोजोम को बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल है, जैसा है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स या लाइसोजोम, ये है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स इसका राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द एम्ब्रियो इन मैन इज प्रोटेक्टेड बाय, एम्ब्रियो मैन का एम्ब्रियो को कौन प्रोटेक्ट करता है, एमनियोटिक कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, एलेंटोइस और प्लूरल कैविटी। सो ये भी बहुत ही ईजी सा है, 49 का हमारा होगा आंसर एलेंटोइस, एलेंटोइस हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन करवाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है एलेंटोइस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द डिस्चार्ज ऑफ मेच्योर ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फोलिकल इज नोन एज, ये भी ईजी सा है, ग्राफियन फोलिकल से जो मेच्योर ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन और एबोर्शन। एबोर्शन तो बहुत अलग चीज हो गया, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ओव्यूलेशन, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ये रहा मान लीजिए जो सेकेंडरी ओसाइट है वो बाहर जब ये रप्चर करता है ग्राफियन फोलिकल वो रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। सो इसी के साथ हमने पूरा इंपॉर्टेंट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 12th बायोलॉजी का, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कोई भी वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।